हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फैक्ट भाई। और जरा ये देखो, ऐसी होती है मेडिकल टेस्टिंग इंडियन डिफेंस को ज्वाइन करने से पहले। और आज इंडियन डिफेंस में तो 8.14% फीमेल्स भी हैं, तो क्या महिलाओं की मेडिकल टेस्टिंग भी ऐसे ही की जाती होगी? और क्या आपको पता है, इंडोनेशिया में आर्मी ज्वाइन करने से पहले औरतों की वर्जिनिटी को चेक किया जाता है? और हमारे यहाँ औरतों की वजाइनल टेस्टिंग होती है, तो क्या हमारी आर्मी भी औरतों की वर्जिनिटी टेस्ट करती है? तो क्या इन्हीं टफ टेस्ट और रिक्वायरमेंट्स की वजह से इंडियन आर्मी में महिलाओं की संख्या कम है? वेल, इन्हीं चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे हमारे आज के वीडियो में, टाइटल इंडियन आर्मी में महिलाओं की टेस्टिंग ऐसे होती है। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद इंडिया के डिफेंस में जाने के लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। अब ये सुन के आपके मन में क्या आया? 55 इंच की बड़ी छाती, 6 फीट लंबी हाइट और 80 किलो वेट, राइट? बट व्हाट इफ मैं कहूं, बॉस, इनके अलावा आपके दांतों से लेके आपके एनस तक को चेक किया जाता है? मजाक नहीं, सीरियसली। अपने डिफेंस सिस्टम में जाने के लिए आपको टोटल 4 टेस्ट से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 एंथ्रोपोमेट्रिक, नंबर 2 मेडिसिन, नंबर 3 सर्जिकल, नंबर 4 डेंटल। इतने बड़े शब्द सुन के घबराओ मत, सब कुछ सिंपल भाषा में बताएगा आपका ये फैक्ट भाई। देखो, आपके बॉडी की हाइट, वेट और चेस्ट को मेजर करना मतलब आपके बॉडी के प्रोपोर्शंस को स्टडी करना। सिंपल, बस इसी स्टडी को एंथ्रोपोमेट्रिक कहते हैं। और अगर आपको इस स्टेज को क्लियर करना है तो इसकी रिक्वायरमेंट कुछ ये है, जिसे हमने इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के लिए जो ऑफिशियल मेडिकल पॉलिसी है वहां से निकाला है। Hence, अपना फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अब आते हैं पॉइंट 2 पे, मेडिसिन। नाम सुन के ये मत समझना कि इसमें आपको दवाई दी जाती है, बल्कि इस फेज में तो आपके फुल बॉडी की जनरल मेडिकल कंडीशन को चेक किया जाता है, जैसे आपके फेस, स्किन, टंग, लिप्स, नेल्स और बाकी ये कई सारी चीजें हैं। और इसके साथ हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब जो थर्ड वाला है, उसका नाम सुन के आई नो वो थोड़ा डेंजर लग रहा होगा, लेकिन टेंशन मत लो, सर्जिकल टेस्ट में आप पर कोई सर्जरी नहीं होती। वो बस ये चेक करेंगे कि क्या आपने पास्ट में कोई सर्जरी करवाई है या नहीं, और अगर करवाई है तो क्या वो अलाउड है, जैसे कि स्प्लीन की सर्जरी किसी भी मेथड या रीजन से हुई हो, अलाउड नहीं है। और फोर्थ पॉइंट तो बिल्कुल ही सिंपल है, डेंटल में आपके दांतों को चेक करते हैं कि पूरे हैं भी या नहीं, और फिर आपके दांतों के काउंट्स पर आपको पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। मतलब आपके हर जॉ में इंटीरियर यानी आगे की 6 दांतों में से एटलीस्ट 4 होने ही चाहिए, यानी पिछले 10 दांतों में से एटलीस्ट 6। और इतना ही नहीं, मैक्सिमम सिर्फ 2 डेंटल इम्प्लांट्स अलाउड हैं। जब इतने सारे और इतने प्राइवेट टेस्ट हो रहे हैं तो आखिर इनकी वजह क्या है? इस पर इंडियन आर्मी का कहना है कि इन रिक्वायरमेंट्स के पीछे कोई भेदभाव नहीं है, काफी सोच समझकर और ऑन फील्ड एक्सपीरियंस को कंसीडर करके ही ये स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ मेडिकल एग्जामिनेशन ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है? वेल, हम सब जानते हैं इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, जिसमें से एक है टैटूज। क्या लगता है आपको, क्या टैटूज अलाउड होंगे? आई नो आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब ना में ही दिया होगा, बट व्हाट इफ मैं कहूं इट इज अलाउड। हाँ, वो बात अलग है कि अलाउंस के साथ इंडियन डिफेंस सिस्टम के खुद के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे कि ट्राइबल लोग जो होते हैं उन्हें अपने ट्राइब स्पेसिफिक के टैटूज अलाउड होते हैं। फॉर एग्जांपल, बंगाल और झारखंड के सेंथल ट्राइब्स अपने रिस्ट पर ऑड नंबर्स के टैटू बनाते हैं, क्योंकि ऑड नंबर लाइफ और इवन नंबर डेथ को सिंबलाइज करता है। और जो नॉन ट्राइबल लोग होते हैं उन्हें बस इनर फोर आर्म और आउटर पाम पर ही टैटू अलाउड है, जो उन्होंने अपने टैटू पॉलिसी में क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का रिलीजियस या ऑफेंसिव या रेसिस्ट और सेक्सिस्ट टैटू नहीं रख सकते हैं। और हर टैटू के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसमें टैटू के फोटो से लेकर उसके साइज, वो कहाँ है, इनडायरेक्टली उसके सारे डिटेल्स देने पड़ते हैं। ये तो बात हो गई मेडिकल रिक्वायरमेंट्स की और कितने टाइप के टेस्ट होते हैं उनकी, मगर ये टेस्ट आखिर कंडक्ट कैसे किए जाते हैं? तो इन टेस्ट में कैंडिडेट्स को कम्प्लीटली नेकेड यानी नंगा होना पड़ता है, ताकि कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन अच्छे से हो और कुछ रह ना जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या फीमेल के लिए भी ये सेम रूल अप्लाई होते हैं या कोई फर्क है? ऑब्वियसली फर्क तो बिल्कुल है। इंडियन डिफेंस की मेडिकल पॉलिसी के हिसाब से जनरल गाइडलाइंस तो दोनों सेक्सेस के लिए सेम ही हैं, मगर फीमेल्स के लिए कुछ और स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि उन्हें सिर्फ फीमेल मेडिकल ऑफिसर या गायनेकोलॉजिस्ट ही एग्जामिन कर सकते हैं। और तो और, जो मैरिड कैंडिडेट्स होते हैं उनका वजाइनल एग्जामिनेशन भी होता है, ये श्योर करने के लिए कि उनके प्राइवेट ऑर्गन्स में कोई ग्रोथ या कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। अब वहाँ उन्हें वहाँ कोई रोग या गाउन दिया जाता है या नहीं, ये तो नहीं पता। उसके अलावा अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है तो ऑब्वियसली उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसे आप गलत तरीके से मत लेना, क्योंकि आई ऑल्सो नो दैट प्रेग्नेंट होना काफी अच्छी बात है, मगर फील्ड पर उससे काफी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फीमेल कैंडिडेट प्रेगनेंसी के बाद भी अप्लाई नहीं कर सकती। इनके लिए भी डिफेंस ने कुछ पॉलिसीज बना के रखी है, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग प्रेगनेंसी टाइप्स जो किसी वुमेन कैंडिडेट को क्वालिफाई करती है एज फिट टू अप्लाई। अगर किसी ने अबॉर्शन करवाया है या प्रेगनेंसी किसी रीजन से टर्मिनेट हुई है तो 12 वीक्स, 24 वीक्स अगर नॉर्मल अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई हो तो, और 52 वीक्स अगर किसी की सी सेक्शन प्रेगनेंसी रही है। आपने काफी बार नोटिस किया होगा कि कुछ औरतों के फेस पर आदमियों के फेस की तरह बाल आते हैं, इसे हर्स्टिज्म कहते हैं। ये एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। इसके सिग्निफिकेंट केस के साथ अगर किसी को PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो कि एक काफी सीरियस हार्मोनल बीमारी है और इंडिया में एटलीस्ट 3.2% से 22.5% औरतें सफर करती हैं जो लॉन्ग टर्म में डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क रखती है, इसलिए भी कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। एक और चीज जो हम सबको सुनने में आती है वो है आर्मी ज्वाइन करने से पहले औरतों की वर्जिनिटी चेक की जाती है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ऐसा सिर्फ एक ही देश में होता है और वो है इंडोनेशिया, जिसका रीजन नेशनल सिक्योरिटी बताया जाता है। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात कैसे हुई ये तो उनका ही लॉजिक जाने, लेकिन जुलाई 2021 से वहाँ भी इस प्रैक्टिस पर रोक लगा दी गई है। सो अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा टेस्ट होता है या आपको करवाना पड़ेगा तो आप उस पर आवाज उठा सकते हो, बिकॉज अगर कोई वैसा करता है तो उसका कोर्ट मार्शल होता है। तो क्या इतने सारे टफ रिक्वायरमेंट्स और इंटीमेट टेस्ट की वजह से हमें आर्मी में इतनी कम औरतें दिखाई देती हैं? क्या औरतें ज्वाइन नहीं करना चाहती? अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऑफिशियल प्रेस रिलीज डेटा को देखें तो इन द ईयर 2021 इंडियन आर्मी में सिर्फ 0.56% औरतें ही थी, कंपेयर टू 6.5% इन नेवी। इससे ये बात तो क्लियर है कि औरतें ज्वाइन तो डेफिनेटली करना चाहती हैं। तो फिर आखिर ये नंबर इतना लो क्यों है? वेल, इसके कुछ रीजंस हैं। जैसे जहां नेवी और एयरफोर्स दोनों में औरतों को कुछ कॉम्बैट कैपेसिटी में अलाउ किया जा चुका है, आर्मी एक एक्सेप्शन है। औरतों ने सोल्जर्स को ट्रीट करने से लेकर माइन फील्ड तक क्लियर किए हैं, बट उन्हें अब तक कॉम्बैट के लिए अलाउ नहीं किया गया है। ऐसा करने के पीछे उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं, जैसे कि औरतें मदरहुड और चाइल्ड केयर की वजह से अपना 100% नहीं दे सकती आर्मी को। और उतना ही नहीं, अगर उन्हें कोई दुश्मन देश POW यानी प्रिजनर ऑफ वॉर रखता है तो हालात काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। और कमांड पोस्ट नहीं दिए जाने का रीजन स्टेट किया गया है मेजॉरिटी ऑफ आर्मी मेल्स हैं और जनरली रूरल एरियाज से आते हैं जहां औरतें कमांड में नहीं होती हैं, तो वो औरतों से कमांड नहीं ले पाएंगे, मतलब वो अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये काफी पिछड़ी हुई सोच है और ऐसा जब औरतों को पुलिस फोर्स में अलाउ करना शुरू किया था तब भी देखने को मिला था, मगर अब वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। हर किसी को एक मौके की जरूरत होती है, कोर्ट ने तो अपने स्टेटमेंट में ये कह दिया, मगर क्या एक्चुअली औरतें पुलिस फोर्स में ज्यादा हैं? क्या वहाँ इम्प्रूवमेंट है? हाँ, कंपेयर टू 0.56% ऑफ आर्मी, 1.08% ऑफ एयर फोर्स एंड 6.5% ऑफ नेवी, इंडियन पुलिस फोर्स में औरतें ज्यादा हैं, मगर वो नंबर भी सिर्फ 10.30% तक ही जाता है। और ये डेटा है BPRD ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। इस डेटा में हर तरीके की पुलिस डिपार्टमेंट को कवर किया गया है। अगर कोर्ट स्टेटमेंट्स की बात करें तो क्या आप एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुनना चाहेंगे? अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने 16.5 से 19 साल के बीच के लड़कियों को NDA नेशनल डिफेंस अकेडमी की एग्जाम जो कि UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करती है में अपियर करना अलाउ किया है। और उसी साल नवंबर 2021 में हुए NDA एग्जाम में 1,78,000 एप्लीकेशन औरतों के थे। जी हाँ, 1,78,000। तो अब तक हम इन जनरल आर्म फोर्सेस के मेडिकल टेस्ट और रिक्वायरमेंट की बात कर रहे थे, मगर क्या डिफेंस के बाकी एरियाज में कुछ अलग भी होता है या सिर्फ इतना ही है? होता है बॉस, बिल्कुल होता है। अगस्त 2020 से इंडियन नेवी ने अपने विजन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज किया है, जिसकी ट्रेनिंग जनवरी 2021 से शुरू भी हो चुकी है। और इंडियन एयरफोर्स में तो इतना सब कुछ चेक करने के अलावा वो आपकी सिटिंग हाइट, थाई गैप, थाई लेंथ और लेग लेंथ भी चेक करते हैं। अब आप पूछेंगे ये क्यों? तो अगर आप एयरफोर्स में प्लेन उड़ाओगे तो उस प्लेन में फिट भी तो होना पड़ेगा ना, बस उसी के लिए। आई नो, अब यहाँ आपको एक सवाल आया होगा, क्या एक बार रिजेक्ट होने के बाद कुछ नहीं हो सकता? इसका जवाब और उपाय दोनों है। मान लो अगर किसी कंडीशन की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन अगर आपकी वो कंडीशन 42 डेज के अंदर ठीक हो सकती है तो आपको एक टेम्पररी रिजेक्शन मिलेगा, जिसमें आप 42 डेज के बाद एकदम फिट होकर वापस अप्लाई कर सकते हो। बट अगर वैसा नहीं होता तो आपको परमानेंट मिलेगा। तो हमने ये देखा कि आर्म फोर्सेज में कितने टेस्ट होते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं और आर्म फोर्सेज में औरतों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, मगर क्या इस एरिया में और इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं? अफ्रीका के एक देश नाइजीरिया ने मार्च 2021 में अपने आर्म फोर्सेज के लिए एक जेंडर पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है, जिसमें उनका एम है
औरतों को आर्मी में और अच्छे से इंटीग्रेट करना, ऑलमोस्ट हर स्टेज पे उनका इन्वॉल्वमेंट होना। तो जब एक अफ्रीकन देश जिसकी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वर्ल्ड शेयर 0.506% है कंपेयर टू 3.1% ऑफ इंडिया, ऐसी एक पॉलिसी जब वहाँ इम्प्लीमेंट हुई है तो क्या इंडिया जैसे बड़े देश को इस विषय पर सोचना नहीं चाहिए? आपका क्या कहना है इस पे? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।